आज बनाने वाले हैं आलू के परांठे। हमने आलू उबाल लिए हैं, अब इनको अच्छे से किस लेंगे। किसने से क्या होगा, इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। मसाले में हमने प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, मैगी मसाला, सौंफ, अजवाइन, ये सब हमने इसमें मिक्स कर लिया और ये पेस्ट तैयार हो गया। हमारा आटा जो पहले से गूंथा हुआ रखा हुआ था वो अच्छे से गूंथ लेंगे। हमने इसको गूंथ के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। हमने पराठा भी यह तैयार है। अब हम पराठा तवे पर डाल दिया, हमने इसको बेल दिया है। अब इसमें लगाएंगे हम देसी घी, मैंने यूज़ किया है, आप लोग कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। इस पर चारों तरफ से जैसे घी लगा देंगे। इसकी बैक साइड से भी घी लगा देंगे। हमारा पराठा फूल रहा है, काफ़ी अच्छे से बेल गया है, बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो फूल गया हमारा पराठा, पलट देंगे। हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट सीख गया है ये। थोड़ा सा प्रेस करते रहेंगे जिससे पराठा अच्छे से सीख जाए अंदर से। इस पे गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है, वरना पराठा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा लगेगा। इसलिए आप इसको कमी धीमी फ्लेम पर ही सेकें जिससे अंदर तक ये अच्छे से सिक जाए। देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है।